हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द पाइपलाइनिंग कंसेप्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइपलाइनिंग कंसेप्ट को, कि पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या है और इसको यूज़ करने से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि पाइपलाइनिंग का मीनिंग क्या है। तो पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि कोई भी जो आपका प्रोसेस है, वो प्रोसेस चाहे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, वो प्रोसेस चाहे कोई इंस्ट्रक्शन हो, हम क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस को छोटे छोटे सब पार्ट्स में या सब प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं। जो कोई भी टास्क होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हर पार्ट को एक सेपरेट सेगमेंट में हम एग्जीक्यूट करेंगे। यानी जो भी टास्क लिया उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए और हर पार्ट को एक डेडिकेटेडली अलग सेगमेंट में हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि हम कुछ सेगमेंट्स को पैरेलल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या मिलेगा कि हम कुछ सेगमेंट्स को पैरेलल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, जो टेक्निकल डेफिनेशन है। उसके बाद जो मैंने स्टेटमेंट बोला है कि पैरेलल भी एग्जीक्यूट कर सकते सेगमेंट्स को, उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे वे में समझ में आए कि क्या डेफिनेशन हम कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पाइपलाइनिंग इज़ ए टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग ए सिक्वेंशियल प्रोसेस। पाइपलाइनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सिक्वेंशियल प्रोसेस को नंबर ऑफ सब पार्ट्स या नंबर ऑफ सब प्रोसेस में डिवाइड करते हैं, जहां पर हर सब प्रोसेस एक सेपरेट डेडिकेटेड सेगमेंट में एग्जीक्यूट होता है, जो भी सेपरेट सब प्रोसेस है, जो कि पैरेलल में वर्क करता है बाकी अदर सेगमेंट्स के, ठीक है। तो हो क्या रहा है ये हम देखना चाहते हैं, कि जो हमने बोला कि पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहा है वो हो कैसे रहा है। तो उससे पहले हम एक चीज़ समझ लें कि हमने बताया कि कोई भी एक ऑपरेशन है उसको हमने चार सेगमेंट में डिवाइड किया है। ये कि हमने एग्जांपल लिया है कि एक प्रॉब्लम है, उसको हमने चार सेगमेंट में डिवाइड किया, S1, S2, S3, S4। यानी जो हमारा टास्क है उसको करने के लिए हमने क्या बना दिया, चार सेगमेंट बना दिए, ठीक है। अब चार सेगमेंट बनाने के से हमें क्या एडवांटेज मिला कि जो भी हमारा टास्क होगा वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेगमेंट वन उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, जो भी ऑपरेशन करना है उस सब प्रोसेस के ऊपर, जो भी पार्शियल रिजल्ट आया वो R1 रजिस्टर में आपने सेव कर लिया, ठीक। R1 रजिस्ट्रेशन के बाद जो रिजल्ट आया है पार्शियल, उसको हमने एक S2 सेगमेंट दूसरे सेगमेंट पे अप्लाई कर दिया, इसने अपना जो भी ऑपरेशन करना था वो किया, इसका जो रिजल्ट आया R2 में दिया, R2 ने टेम्परेरी स्टोर किया, फिर एज ए इनपुट अप्लाई कर दिया S3 में, फिर जो रिजल्ट आया R3 में स्टोर हो गया, उसका इनपुट गया S4 में, और फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपने इनपुट दिया था, जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको कहाँ मिलेगा, R4 पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि पूरे के पूरे प्रोसेस को चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को आपने किसमें एग्जीक्यूट किया, एक सेपरेट सेगमेंट में, और उस सेगमेंट का जो रिजल्ट आया वो आपने टेम्परेरी यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस सेगमेंट का काम खत्म हो गया, हमने क्या किया, जो यहाँ टेम्परेरी रिजल्ट आया था उसको दूसरे सेगमेंट पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि फीचर्स क्या है पाइपलाइनिंग की, कि द पार्शियल रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम द कंप्यूटेशन इन ईच सेगमेंट। जो भी पार्शियल रिजल्ट मिलता है हर सेगमेंट की कंप्यूटेशन से, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन द पाइपलाइनिंग एंड सो ऑन। इसका रिजल्ट इसमें डाल दिया, इसका रिजल्ट इसमें डाल दिया, रजिस्टर सिर्फ किसका काम कर रहे हैं, टेम्परेरी स्टोरेज का काम। तो जो भी हमारा सेगमेंट से पास होने के बाद रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, वो कैसे आया, इट इज ऑब्टेंड आफ्टर द डेटा हैज बीन पास थ्रू ऑल द सेगमेंट। जब सारे सेगमेंट से डेटा पास हो गया तब आपको फाइनल रिजल्ट मिला, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसको एक पूरा आप एक पाइपलाइन समझिए कि एक पाइपलाइनिंग है जिसमें हमने किसी भी काम के लिए चार अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं, हर पार्ट का, हर सेगमेंट का अपने एक डेडिकेटेड फंक्शन है, ठीक है। जब भी कोई काम आएगा वो सेगमेंट बाई सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही काम इस वाले सेगमेंट में पूरा हो जाएगा, काम इसमें फॉरवर्ड हो गया S2 में, इसका मतलब है उस समय S1 फ्री हो जाएगा, ठीक है। जब वो वाला काम S2 से S3 में चला जाएगा, इसका मतलब है कि S1 और S2 सेगमेंट फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जब वो काम S3 में S4 में चला जाएगा,
इसका मतलब है पीछे के सेगमेंट S1, S2, S3 फ्री हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आपका बाहर चला जाएगा यहाँ से। तो हम पाइपलाइनिंग में करना क्या चाहते हैं, हम पाइपलाइनिंग में जैसे जैसे काम आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है, वैसे वैसे जो पीछे वाले सेगमेंट फ्री होते जा रहे हैं, इन सेगमेंट का यूज करना चाहते हैं। इन सेगमेंट का यूज करने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि हम इन जो खाली सेगमेंट बचे हुए हैं उनसे और काम करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब S1, S2, S3 यूज नहीं हो रहे, सिर्फ S4 यूज हो रहा है, तो हम इन तीनों सेगमेंट का काम ले सकते हैं, ठीक है। वो क्या काम ले सकते हैं वो आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने एक स्पेस टाइम डायग्राम बताया है, ये स्पेस टाइम डायग्राम क्या शो करता है, ये दिखाता है सेगमेंट यूटिलाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसी चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, स्पेस डायग्राम का यूज किया है। आपका जो स्पेस टाइम डायग्राम है ये बताता है किस तरीके से टाइम के साथ हम सेगमेंट का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना हम सेगमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे वैसे वैसे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसमें पैरेललिज्म आएगी, मोर ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम अगर हम पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए हमने एक पाइप की तरह चार सेगमेंट एज्यूम किए हैं, S1, S2, S3, S4, चार सेगमेंट हैं, ये मैंने दिखाया वाली एक पाइप है S1, S2, S3, S4, ठीक। ये हमने इस तरफ दिखाया कि किस टाइम पीरियड, हर क्लॉक टाइम पीरियड पे क्या काम हो रहा है, चार सेगमेंट हैं S1, S2, S3, S4, और ये क्या है, टाइम इंटरवल है कि पहले क्लॉक पे क्या हो रहा है, दूसरी क्लॉक पे क्या हो रहा है, हर टाइम यूनिट में क्या क्या काम हो रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट, जैसा कि मैंने बताया 4 हैं सेगमेंट्स, और जो हमारे पास नंबर ऑफ टास्क हैं जो आपको वर्क कराने हैं वो कितने हैं, 6 टास्क हैं। नंबर ऑफ टास्क आपके पास कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं, 4। अगर आप पाइपलाइनिंग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप पाइपलाइनिंग यूज नहीं करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, चार सेगमेंट है, हमने काम को कितने सेगमेंट में डिवाइड किया, 4 सेगमेंट में, ठीक है। तो एक टास्क, सिंगल टास्क जो होगा वो कितना टाइम लेगा, 4 क्लॉक साइकिल लेगा, क्यों, उस काम को पूरा होने में कितने लगेंगे, कितने सेगमेंट से पास हो रहा है एक सिंगल टास्क, सेगमेंट 1 से भी, सेगमेंट 2 से भी, सेगमेंट 3 से भी, सेगमेंट 4 से भी, यानी उस टास्क को कंप्लीट होने में 4 क्लॉक साइकिल आपकी यूज होंगी, क्योंकि चारों सेगमेंट से होके जाएगा। अब अगर ऐसे ऐसे हमारे पास 6 टास्क हैं, 6 टास्क हैं, तो टोटल कितना टाइम होगा हमारे पास, एक टास्क के लिए 4 क्लॉक साइकिल, तो 6 टास्क के लिए कितनी साइकिल लगी, 6 × 4, 24 साइकिल्स, ठीक है। यानी अगर पाइपलाइनिंग ना यूज करें तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 24 साइकिल्स। अब देखिए हम पाइपलाइनिंग यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज मिल रहा है, देखिए ये टाइम इंटरवल फर्स्ट है, या मान लीजिए T1 है, इसमें सबसे पहले मान लीजिए कौन सा टास्क आया, T1, एक पाइप हमने एज्यूम किया है, उसके अंदर 4 सेगमेंट है, और सबसे पहले कौन सा काम आ रहा है, T1, T1 इज द टास्क, फर्स्ट टास्क, पहला टास्क आया किस टाइम पे, 1 टाइम पे, ठीक है, सेगमेंट 1 ने इसको प्रोसेस किया, जो भी काम था, T1 टास्क आया सेगमेंट 1 में, इसने प्रोसेस किया, उसके बाद ये क्या करेगा, जब इसमें काम पूरा हो जाएगा, यानी कि सेगमेंट 1 में पूरा हो जाएगा, तो ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, S2 को फॉरवर्ड कर देगा, यही हमने आपको बताया था ऊपर, जब S1 का काम पूरा हो जाएगा। तो दूसरे टाइम इंटरवल पे ये क्या होगा, T1 टास्क कहाँ चला गया, S2 सेगमेंट में, ठीक, यानी ये वाला जो यहाँ पे काम चल रहा था वो किस पे आ गया, S2 में आ गया, जो T1 वाला वर्क था। अब ये फ्री कौन सा हो गया, फ्री हो गया S1, जैसे T1 वाला काम आगे पहुंचा सेगमेंट 2 में, S1 हो गया फ्री, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा टास्क पीछे लगा सकते हैं, S1 वाले में जो T1 चल रहा था वो तो आ गया यहाँ पर, किस में, आपका T1 वाला इसमें आ गया, तो ये वाला फ्री हो गया, तो यहाँ दूसरा टास्क दे सकते हैं। तो वही यहाँ शो कर रखा है कि T1 टास्क है, इनिशियली ये S1 में एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे ही इसका S1 वाला काम हुआ, T1 का इस सेगमेंट से काम खत्म हुआ, T1 तो आ गया इसमें आ गया, अब S1 हो गया फ्री, सेगमेंट 1 हो गया फ्री, क्योंकि पार्ट किस में चला गया, T1 में,
तो हमने दूसरा टास्क एंटर करा दिया किसके अंदर, एसवन के अंदर, ठीक है। अब टी टू टाइम पे क्या हो रहा है, देखिए जो टाइम टू है उसके अंदर क्या हो रहा है, सेगमेंट टू तो एग्जीक्यूट कर रहा है टी वन को, भाई काम चल रहा है, सेगमेंट टू तो एग्जीक्यूट कर रहा है टी वन को, आगे बढ़ गया, और इसके अंदर हमने कौन सा टास्क ले लिया, टी टू टास्क ले लिया। तो दो सेगमेंट क्या कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, पहले टास्क तो अपना दूसरा काम कर रहा है एस टू में, और जो दूसरा वाला टास्क है वो अपना काम किसके अंदर कर रहा है, एस वन के अंदर, यानी पैरेललिज्म आ रही है, दो टास्क एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपना छोटा छोटा वर्क। अगले टाइम इंटरवल में क्या होगा, टी वन वाला तो अगले सेगमेंट में चला गया, टाइम टी थ्री पर सेगमेंट जो पहला वाला टास्क था वो किसके अंदर आ गया, टी वन के अंदर। अब टी वन के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि ये पूरा का होगा टास्क जब ये चारों सेगमेंट से पास हो जाएगा। तो जब ये टी थ्री में आ गया, जब ये एस थ्री में आ गया टी वन टास्क, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला फ्री हो गया, ये वाला फ्री हो गया, पीछे के दो फ्री होते जाते हैं। तो जो टी टू वाला था वो तो आ जाएगा, टी टू वाला यहाँ पर आ जाएगा एस टू वाले में, ठीक है। ये टी टू किस में था अब तक, एस वन में, तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, कहाँ पहुँच गया, टी टू में। अब फ्री कौन सा हो गया, एस वन, ठीक है। इसको आपको और डिटेल में समझने के लिए आप इस तरह से देखिए, ये एक पाइप है, ठीक, इसको हमने चार सेगमेंट में डिवाइड किया है, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, ठीक। एस वन के अंदर आपने यहां से इंसर्ट किया एक टास्क टी वन, किस टाइम पे, टाइम वन पे। अब ये टी वन इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये किसके अंदर चला जाएगा, अगले टाइम पीरियड में, टी वन तो चला गया किसके अंदर, एस टू के अंदर, तो फ्री कौन सा हो गया, एस वन फ्री हो गया। तो आप एस वन के अंदर क्या कर सकते हो, एक नया टास्क डाल सकते हो, कौन सा, टी टू, वो देखिए हमने डाल रखा है टी टू, ठीक है। एडवांटेज क्या मिल रहा है कि जब ये टी वन एस टू के अंदर टी वन वाला काम चल रहा है, जब एस टू के अंदर टी वन वाला काम चल रहा है, तो दूसरा वाला एस वन के अंदर कौन सा काम चल जा रहा है, टी टू। जैसे ही ये टी वन इस काम में काम पूरा कर लेगा, टी वन कहाँ पहुंच जाएगा, एस थ्री में। देखिए टी वन किस में आ गया, एस थ्री में, किस टाइम पीरियड पे, थर्ड टाइम पीरियड पे। और ये जो टी टू था ये किस में पहुंच जाएगा, टी टू इसमें आ गया, देखो टी टू इसमें आ गया, किस पे, टाइम पीरियड थ्री पे। अब फ्री कौन सा हो गया, इधर से फ्री हो गया जगह, ये वाला एस वन फ्री हो गया, तो ये इधर से एंट्री कर जाएगा नया टास्क, ठीक। अब फिर अगली क्लॉक में क्या होगा, टी वन वाला किस में पहुंच गया, एस फोर में, टी टू वाला किस में पहुंच गया, एस थ्री में, टी थ्री वाला किस में पहुंच गया, एस टू में, फ्री कौन सा हो गया, टी फोर, जो एस वन था वो फ्री हो गया, उसके अंदर कौन सा आ गया, टी फोर आ गया, ठीक है। तो फोर्थ साइकिल तक आते आते, फोर्थ क्लॉक साइकिल के आगे आते, आपके कितने सारे टास्क एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही पाइप के अंदर चार टास्क काम कर रहे हैं आपके, क्यों, जैसी चार क्लॉक पावर साइकिल पूरी हुई, टी वन इधर आ चुका है, टी टू इसके पीछे लगा हुआ है, टी थ्री उसके पीछे लगा हुआ है, टी फोर उसके पीछे लगा हुआ, एक पाइप के अंदर चार चार काम चल रहे हैं। अब क्या होगा, जब ये चारों सेगमेंट से पास हो जाएगा, अगले टाइम पीरियड में क्या होगा, T1 तो पूरा हो गया, निकल जाएगा, देखिए चार क्लॉक पल्स के बाद T1 तो हो गया पूरा, ठीक। T1 ने कितनी साइकिल नहीं पूरा करने के लिए काम, चार साइकिल नहीं, पहले T1 इधर गया, इधर गया, इधर गया और इधर गया, चार साइकिल नहीं, तब जाके T1 पूरा हुआ है, चार क्लॉक साइकिल के बाद T1 निकल गया। लेकिन T2 को सिर्फ कितना टाइम लगेगा, जैसे T1 निकलेगा, T2 तो आ गया इसमें, देखिए T2 S4 में आ गया, ये इसमें आ गया S3 में, T4 इसमें आ गया, और नया टास्क किसमें आ गया, T5। जैसे T1 बाहर निकला, पीछे से एक और नई एंट्री होगी किसकी, T5 की। अब T2 इधर होगा, T3 इधर होगा, T4 इधर होगा, T5 इधर होगा, देख लीजिए, ठीक है। T2 लास्ट में, उसके पीछे T3 है, उसके पीछे T4 है, उसके पीछे T5 है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे एक टास्क पूरा होकर निकलते आ रहा है, उसके पीछे पीछे बाकी टास्क भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आप देखिए T2 को कितना टाइम लगा पूरा होने में, T2, T4 ने, T1 ने कितने लिए थे, फोर क्लॉक साइकिल,
T2 ने सिर्फ कितने लिए, एक क्लॉक साइकिल, क्यों, फोर्थ साइकिल के बाद फिफ्थ साइकिल में T2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके पीछे देखिए, जैसे T2 पास होकर निकलेगा, जैसे यहां से T2 निकलेगा, अब एक नया टास्क डाल सकते हो, कौन सा, T6। देखो जैसे T2 पास होकर निकला, T3 तो S4 में आ गया, और T4 किस में आ गया, S3 में आ गया, T5 आ गया S2 में, एक नया टास्क हमने डाल दिया S1 में। इससे एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज ये मिला कि जैसे ही अब क्या होगा, अगली क्लॉक साइकिल में कॉल कंप्लीट हो जाएगा, T3 भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे T3 पूरा हुआ, कितनी साइकिल ली T3 ने पूरा होने के लिए, T2 की अगली साइकिल में पूरा हो गया, एक साइकिल ली। अगली क्लॉक पल्स में क्या होगा, अगली क्लॉक ड्यूरेशन में T4 इधर आ गया, T5 इधर आ गया, T6 इधर आ गया, और अब ये खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि 6 के बाद कोई टास्क ही नहीं, 6 टास्क थे, आपने एक के पीछे एक लगा रखे थे, जैसे जैसे एक टास्क आगे जाते आ रहा था, वैसे वैसे पीछे घुसते जा रहे थे, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, कई सारे टास्क आपके पैरेलल में चल रहे थे। तो T4 अब कितना होगा, T4 सिर्फ T3 से के बाद अगली साइकिल में T4 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर उसकी अगली साइकिल में T5 भी कंप्लीट हो जाएगा, उसकी अगली साइकिल में T6 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 6 टास्क जो पहले कितना टाइम ले रहे थे, 4 × 6 24 साइकिल ले रहे थे, वो अब कितने पूरे हो जा रहे हैं, पहली क्लॉक ले रही है, पहला टास्क ले रहा है 4 क्लॉक साइकिल, और बाकी सब कितने कितने ले रहे हैं, हर कोई एक एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो 4 और प्लस बाकी टास्क कितनी कितनी साइकिल ले रहे हैं, एक एक साइकिल, तो एक साइकिल इसके लिए, 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 5 क्लॉक साइकिल और चाहिए इस 6 टास्क को पूरा करने के लिए। यानी 6 टास्क को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा, पहली क्लॉक को 4 लगा, सॉरी पहले टास्क को 4 क्लॉक साइकिल लगी, और बाकी को एक एक लगा जो 5 बचे थे टास्क, तो टोटल कितना लगा, 9। तो स्पीड अप रेशियो कहता है कि कितना स्पीड अप हुआ। अगर आप पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, तो नॉन पाइपलाइनिंग में तो 24 लग रहा था, पाइपलाइनिंग में कितना लग रहा है, सिर्फ 9। तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ी, 24/9, 2.67, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है कि जैसे जैसे हम पाइप के अंदर एक चीज आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए टास्क को एंट्री करते जा रहे हैं हर क्लॉक टाइम ड्यूरेशन में। तो एडवांटेज क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे कई सारे टास्क एक साथ चल रहे होते हैं। पहला टास्क देखो, यहाँ पर T1 यहाँ चल रहा है S4 सेगमेंट में, दूसरा S3 में चल रहा है, तीसरा S2 में चल रहा है, चौथा T4 में चल रहा है। तो हमारे क्या रही कुछ पैरेललिज्म की डिग्री बढ़ रही है, जो नॉर्मली हमारी 24 साइकिल लग रही थी, उस वो हमारा काम कितनी साइकिलें पूरा हो जा रहा है, 9 क्लॉक साइकिलें पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका एडवांटेज है किसका, पाइपलाइनिंग का, कि पाइपलाइनिंग में हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर पार्ट में एक एक को डालते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नया नया टास्क इसमें आता जा रहा है, जैसे जैसे पाइप में आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर से नया टास्क इंसर्ट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि एक टास्क यहाँ से डाला, जब तक वो चारों सेगमेंट से पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अगला टास्क नहीं डालेंगे, नहीं, जैसे ही वो पहला वाला टास्क आगे वाले उसमें जाएगा, पीछे से एक नया टास्क का इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका पाइपलाइनिंग क्या कर रहा है, इट इज नॉट द पैरेलल प्रोसेसिंग बट इट इज आल्सो इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द सिस्टम। अगर आप बिल्कुल नहीं यूज करेंगे पाइपलाइनिंग, तो आपकी 24 साइकिल लग रही थी इसी टास्क के लिए, और अब आपकी कितनी लग रही, 9 क्लॉक साइकिल्स। तो सिस्टम की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एज कंपेयर टू कि अगर आप पाइपलाइनिंग ना यूज करें, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बताया कि दो तरीके से हम पाइपलाइनिंग का यूज कर सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग को अगर आप इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन में यूज कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में आ जाएगी, और अगर आप पाइपलाइनिंग को किसमें यूज कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन के यूज कर रहे हैं, तो भी आपकी स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का ओवरऑल प्रोसेस क्या है, पर्पस क्या है, टू स्पीड अप द सिस्टम, सिस्टम को और एफिशिएंट बनाना और उसकी स्पीड को इंक्रीज करना। सो दिस इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग।